वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलो सभी अच्छे ही होंगे। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है इंटीजर। इस पर हम एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा बुक लगेगा आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है? तो मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक का भी फोटोस्टेट भेज दूंगी। और जैसे आज हमारा टॉपिक है इंटीजर, इंटीजर में अब हम अपने जो जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा है, नेचुरल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसी ना, ऐसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्स्ट्रा। ओके, ये तो हो गए आपके नेचुरल नंबर। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो, जीरो के साथ आर कॉल्ड होल नंबर। वो नंबर जिनमें जीरो भी शामिल हो, जीरो को और बाकी सारे नेचुरल नंबर हो, तो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा, ये सभी क्या है? होल नंबर। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, ये खाली एक रिविजन है। उसके बाद आपने पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर का डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल से वे में देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग, नेगेटिव काउंटिंग, जैसे -1, -2, -3 वो सभी नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ओके, अगेन ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एज जीरो एंड नेगेटिव्स, नेगेटिव्स में -1, -2, -3 एज ऑन काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ओके, क्लियर? अब ये बताती हूँ मैं आपको इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं और जीरो का क्या वैल्यू पास। देखो, जैसे इंटीजर में लिखा ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव्स, इसमें होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर। सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। -1, -2, -3, -4, -5 अब आपने देखा होगा जब भी इंटीजर लाइन पर, एक राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, लेकिन बीच में क्या होता है? जीरो। अब वो जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ये आपको बताते हैं। जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो जीरो इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड। जीरो जो होता है उसके लिए आप क्या लिखोगे? जीरो इज एन इंटीजर पॉजिटिव, जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो हमारे इंटीजर कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, आगे आते हैं हम रूल्स पर। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर में क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर में यह है कि जब हम टू पॉजिटिव या टू नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं या नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये हम
वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल से. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. इनका क्या करना है, सम करना, ऐड करने हैं ये. एंड 36 + 27 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर. 6, 7 3, 2, 5 और 1, 6 दिस इज पॉजिटिव इंटीजर. यानी कि जब भी हम टू पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर में ही आता है. अब एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -31 and -31 दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर. ओके, ऐड करते हैं इनको. मैंने आपको बताया था, अब पजल मत हो कि नेगेटिव है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नहीं, ये खाली सिंबल लगा लो या इनका सरनेम लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप इसको ऐसे देखो क्या है, 31 and 25 क्या करना है, इनको ऐड करना. क्या करना है, ऐड करना, उसको भूल जाओ, वो एक सिंबल है. 6, 5 और सिंबल क्या लग गया, माइनस. ये खाली सिंबल था तो क्या आया आंसर हमारा, 56. ये क्या है, सिर्फ ये यू दिखा रहा है कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव होने का सिंबल बता रहा है. तो आंसर क्या है, नेगेटिव आया. यानी कि रिजल्ट क्या निकला, जब हम टू नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर. यानी कि ये फर्क कहाँ पड़ता है, जब भी जो भी सिंबल होगा जिसकी वेरिफिकेशन में वैल्यू ज़्यादा रहेगी वही सिंबल आएगा. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा है, जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, वो हमारा साइन क्या आएगा, सिंबल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है इंटीजर की वैल्यू पर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर. तो इसी पर हम एक दो वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैं एक ले लेती हूँ, एग्जाम्पल में -47 + 18 -47 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, 18 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. और क्या करना है इसको, एड, क्योंकि हम एडिशन ऑफ इंटीजर कर रहे हैं, ठीक है. तो -47 और 18 अभी करना क्या है, प्लस. अब ये देखो करना प्लस है लेकिन आप क्या करोगे, माइनस. इसमें पजर होता है, ये ऐसे है, ठीक है. माइनस के तो हमारे पास है 47, प्लस के है हमारे पास 18. अब कौन ज्यादा है, माइनस वाले, यानी कि ज्यादा है तो उसी का लिखा जाएगा, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 17 में से 8 जाएगा, बोलो बेटा, 17 - 8 9 ना, 3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 29. यानी कि क्या आया, जब एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से न्यूमेरिकल वैल्यूज की अगर ज्यादा है तो वो डिपेंड करता है नेगेटिव आया है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कम है, नेगेटिव ज्यादा, इसलिए तो क्या आया फिर, वो नेगेटिव इंटीजर. फिर एक और ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, -29 + 52. अब ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनको भी क्या करना है, ऐड करना है. -29 + 52. अब ये देखो यहाँ पर ऐड के ज्यादा है और माइनस के कम है, तो सीधी सी बात है आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव. इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसको इसको दोबारा लिख लेते हैं, 52 ऊपर लिख लेते हैं, 29 नीचे लिख लेते हैं, ठीक है. तो 12 - 9 3 4 - 2 और आंसर किस में आया, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा है. तो जब हम
देखो यहाँ पर क्या था, नेगेटिव इंटीजर की न्यूमरल वैल्यू कम थी, पॉजिटिव इंटीजर की ज़्यादा थी, तो हमारे पास आंसर किस में आया, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या था, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर की न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा थी, पॉजिटिव की कम थी, इसलिए आंसर किस में आया, माइनस में। ये डिपेंड करता है उस इंटीजर की न्यूमरल वैल्यू पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। क्या आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर। आपको पहले बताई भी थी मैंने, फिर कर लेते हैं एक बार। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन से मतलब है सीधा सा बात है कि कोई भी होगा नंबर उसको हम क्या करेंगे ऐड। तो इसमें होता क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर is always an integer, यानी कि अगर टू इंटीजर को आप एड करोगे तो क्या आएगा आंसर, हमेशा इंटीजर में ही आएगा वो। एग्जाम्पल जैसे 5 + 4, 5 क्या इंटीजर, 4 भी क्या इंटीजर, एड करते हैं 9, ये भी क्या है, which is an integer। next example ले लेते हैं, जैसे -3 + -8, -3 और -8 दोनों ही सेम है, मतलब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर, उनको ऐड करते हैं तो 3 और 8 11, -11 which is an integer। तो हमेशा ही जब भी किसी भी आप टू इंटीजर को ऐड करोगे क्या आएगा, वो इंटीजर आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।